ऐसे आप आशा करता हूँ अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जी यस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप जियो कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो कैसे करें। अगर आप जियो कस्टमर केयर से बात कर रहे होंगे जैसे आप सिंपली तरीका से करते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। अगर आप कोई भी यूट्यूब से कोई पुरानी वीडियो देख के जियो कस्टमर केयर से बात करने के लिए कोई भी रिजल्ट निकाल रहे हो तो उसका कोई भी दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही होगी। बट वो होता क्या है, जो पुरानी वीडियो होती हैं वो अपडेट होते रहते हैं, जो कस्टमर केयर की जो नंबर हो है वो अपडेट होता रहता है, चेंजिंग होता रहता है, इसलिए आपको दिक्कत परेशानी हो रही होगी। और इस वीडियो में आपको बताएंगे, लाइव प्रूफ दिखा देंगे कि एक ही डायरेक्ट जियो कस्टमर केयर से बात कैसे करें। मैं अपना नंबर टैप करूँगा, जो जियो कस्टमर केयर का नंबर होता है वो मैं टैप करूँगा। फिलहाल इस वीडियो पे बने रही, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम आदित्य कुशवाहा और आपका फिर से मेरे टेक्निकल एक चैनल में स्वागत करता हूँ। प्लीज़ आपसे छोटी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बगल में बेल आइकन आ जाएगा उसे भी ऑल करके प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब इस तरीके की वीडियो ना तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो तो आपको यहाँ पे ये वाला डायलर एप्लीकेशन, यहाँ पे फोन पे कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने का देख सकते हो, यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे टैप कर देते हैं, यहाँ पे 198 को क्लिक करने का, जो आपकी जियो सिम है वहाँ पे जियो सिम है उसी पे यहाँ पे डायल कर देना। अब मेरी डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात हो जाएगी। देख सकते हो जैसे अपने नंबर डायलर पे डायल किया है जियो लाइन पे, यहाँ पे मेरी डायरेक्ट कस्टमर से डायरेक्ट बात हो जाएगी। देख सकते हो सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये मेरी कॉलिंग, जो मैंने कस्टमर केयर से कॉलिंग की है वो कॉलिंग रिकॉर्ड नहीं होगी। देखो कोई भी कॉलिंग, ये कॉलिंग रिकॉर्ड नहीं होगी, सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये कॉलिंग रिकॉर्ड नहीं की जाएगी स्क्रीन शॉट से। ₹319 नंबर डायल करके डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, और अपनी कोई भी दिक्कत परेशानी हो वहाँ से आप पूछ सकते हो ऑनलाइन 319 नंबर डायल करके आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए, वहाँ से आपको रिप्लाई दे देंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, गुड बाय, वंदे मातरम।